माता दी। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा माता का व्रत और पूजा की जाती है। कुष्मांडा माता ने अपने मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है। कुष्मांडा माता का रूप बेहद सौम्य, शांत और मोहक माना जाता है। ज्योति स्वरूप के साथ अष्टभुजाओं से युक्त है ये माता। माँ कुष्मांडा जगत कल्याण के लिए अपने दाहिने हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प से सुशोभित है और बाएं हाथों में अमृत, कलश, माला, गदा और चक्र धारण कर रखा है। कुष्मांडा माता शेर पर सवारी करती है और इन्हें कुबड़े की बलि प्रिय है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं लौकिक हो रही हैं। ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोक का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह देवी सेवा और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। कुष्मांडा माता की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की सभी प्रकार से विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन भी सर्वप्रथम कलश व सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात एक लकड़ी की चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर माता कुष्मांडा की प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग का आसन प्रयोग करना बेहतर होगा और स्वयं भी नारंगी रंग का वस्त्र धारण करें। फिर जल, फूल, अक्षत रोली अर्पित करें। नवरात्रि के चौथे दिन माता को माओ पूवे का भोग लगाएं और फिर किसी ब्राह्मण को दान करें। इससे हर प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। इसके बाद धूप दीप जलाकर माँ की आरती करें। माँ कुष्मांडा की मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। फिर अपनी मनोकामना बोले। माता आपकी हर इच्छा पूरी करेंगी। हम आशा करते हैं कि माँ कुष्मांडा आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। हमारी पूरी टीम को अब इजाजत दीजिए। जय माता दी। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।